एवरीवन, सो आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि पहले रेडी होना पड़ेगा एंड इसीलिए मुझे अपने बालों का भी कुछ करना था। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, वैसे तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवा रखे हैं, लेकिन स्ट्रेट करवाने का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है एंड वो ये है कि जब आपकी न्यू ग्रोथ आती है ना, तो वो आपका जो भी नेचुरल अगर कर्ली हैं, वेवी हैं, जैसे भी बाल हैं वैसी आएगी हमेशा। हाँ, परमानेंट हेयर स्ट्रेटिंग करवाते हो तो नीचे के बाल हमेशा स्ट्रेट ही रहेंगे, लेकिन ऊपर से जो न्यू ग्रोथ आएगी वो तो जो भी आपका नेचुरल टाइप होगा वैसे ही आएंगे। तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है, आधे स्ट्रेट दिखते हैं एंड आधे ऊपर से अजीब से दिखता है। तो ये आपने देखा ही होगा जो भी स्ट्रेट करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। एंड नॉर्मली भी अगर आपको अपने बाल स्ट्रेट करने हैं तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है 2-in-1 अगैरो का हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। अब इसमें पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, मुझे सिर्फ कॉम्ब करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है एंड यू कैन सी पावर बटन है, इसको ऑन करेंगे एंड देन यहाँ पे 5 हीट सेटिंग्स होती है, लाइक 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है। अब पता है जो टेम्परेचर होता है वो अपने बालों के अकॉर्डिंग आपको सेट करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत थिक है ना तो आप हाई टेम्परेचर्स की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज थोड़ा कम टेम्परेचर रखो थिन हेयर है तो। एंड उसके बाद है, सो वी हैव दिस ग्लव जिसको हम पहन के एंड बहुत ही आराम से बिना कोई बर्न हुए एंड अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडा क्या होता है कि एक हाथ से आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हो बालों को, ठीक है, एंड उसके बाद ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश है इससे आप कॉम्ब कर सकते हो। तो जैसे मेरे ये बाल है ना, ये पूरे आप देख सकते हो कैसे हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रबर बैंड डाल देती हूँ, क्लचर डाल देती हूँ। तो स्ट्रेट किए हुए बालों में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे ना उसका निशान पड़ जाएगा, आपकी जो न्यू हेयर ग्रोथ आएगी वो भी आपकी जैसे आपके नेचुरल फॉर्म है वैसे ही आएगी। तो अब इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ इससे अपने बालों को कॉम्ब करके, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली इसकी जो डिज़ाइन है ना वो भी एकदम कॉम्ब जैसी ही बनी है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 सेटिंग्स हैं इसमें टेम्परेचर की, मैं सेकेंड लेवल तक गई हूँ सर। एंड ओ माई गॉड, यू कैन सी यहाँ के तो ऑलरेडी फिर भी ज़्यादा स्ट्रेट थे मेरे बाल। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये जो निशान पड़ा हुआ है, देखो, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। लाइक एक दो बार जैसे हम अपने कॉम्ब को यूज करते हैं ना, एकदम वैसे ही आपको इसको यूज करना है। एंड जस्ट लुक एट दिस, मतलब जो वो पैटर्न बन गया था, क्योंकि मैं पूरे टाइम क्लचर डाल के रखती हूँ, हॉस्पिटल में होती हूँ, तो वो पूरा जो है वो सही हो गया है मेरे। सो लेट मी नो आप लोगों को ये डिफरेंस पूरा कैसा लगा। अगर आपको भी ये परचेज करना हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड मुझे यार इसका जो डिज़ाइन है वो इतना स्लीक एंड इतना अच्छा लगता है कि इसको यूज़ करना भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपके पास एक ग्लव है, यू कैन यूज़ योर हैंड एंड आपको सिर्फ कॉम्ब करते रहना है। आपको एकदम क्विक फिक्स चाहिए ना अपने बालों के लिए, आपको जस्ट कॉम्ब के जैसे इसको अपने बालों में से निकालना है ना, आपके बाल एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। एकदम पोकर स्ट्रेट करने होंगे तो आप एक दो बार एक्स्ट्रा कर लोगे, अदरवाइज आप 2-3 बार ऐसे कॉम्ब करोगे तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड आई तो जस्ट लव इट। एंड ऊपर से ना ये एकदम शाइनी लुक देता है बालों को, है ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। एकदम ड्राई नहीं छोड़ता, अदरवाइज हम जब स्ट्रेट करते हैं ना बालों को, जैसे कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से बाल थोड़े ड्राई से हो जाते हैं, फ्रिजी से हो जाते हैं। बट इसमें इसको यूज़ करके ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे फ्रिजी, इवन बहुत ही सिल्की स्मूथ मेरे हेयर फील होता है एंड एक अलग सी शाइन भी आती है। सो ये इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए एंड आई तो रियली लव इट, और वर्थ इट भी लगा मुझे। अप्रॉक्स 3000 का आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू क्लिक करके खरीद सकते हैं। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर आने के लिए, लाइक जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में अपनी पसंद का कॉलेज, पसंद की सीट मिल चुकी है, सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जिनको नहीं मिली है एंड सेकेंड थर्ड राउंड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको भी मिल जाएगी। बस लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, अगर आपको लगता है ना कि आपकी उतनी रैंक है, लाइक प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखना एंड आपको लगता है कि आपको मिलेगी, देन
लास्ट तक जस्ट होल्ड टाइट ओके। एंड इसी के साथ हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब फर्स्ट टाइम कोई हॉस्टल आता है ना, क्या क्या चीजें होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ चीजें होती है जो आपको हॉस्टल रिलेटेड होती है, कुछ चीजें होती है जो आपकी कॉलेज रिलेटेड होती है। तो क्या कुछ आपको चाहिए वो सब मैं बताने वाली हूँ। एंड बहुत ही बेसिक चीज से हम बात करने वाले हैं। यू डोंट हैव टू गो ऑन लाइक एन इम्पल्सिव शॉपिंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कॉलेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट ईयर में आप आओगे, आजकल क्या हो रहा है कि फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली आपको एथिक्स, एटकॉम, यही सब चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एंड ऑल। तो ये बेसिकली फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं होता है। ये उसके अलावा जो भी एक डॉक्टर को चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक एथिक्स, ऑटोनॉमी एंड कम्युनिकेशन, ये सब जो पता होनी चाहिए एक डॉक्टर को, ये उसके बारे में होने वाला है, ठीक है। तो एटकॉम के दौरान आपको कोई पढ़ाई वढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं रहेगा, कुछ भी आपको नहीं चाहिए बेसिकली। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स जो हैं, हमारा एटकॉम जो था 1 मंथ का था, तो 1 मंथ एटकॉम था एंड उसके बाद हमारी जो फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो लगना स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको घर से कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी नहीं, इवन कोई भी अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ करने होते हैं फर्स्ट ईयर में, या फिर कोई भी बुक्स होती है, वो कुछ भी खुद से खरीद के मत लाना। आपको यहाँ आना है पहले, आपको टीचर्स भी गाइड करेंगे कि कौन सी बुक खरीदनी है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं। तो आप कुछ भी पहले से मत खरीद के लाना। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है पैटर्न, एंड उसी के अकॉर्डिंग खरीदना सही रहेंगे चीज़ें, ठीक है। मैंने भी यहीं आके बुक्स खरीदी थी। सेकेंडली, जो जो लैब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको, जैसे फॉर एग्जांपल लैब में आपको अगर स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, फिजियो लैब में बीपी वगैरह लेते हैं, तो हमें स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत हाई फाई स्टेथोस्कोप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट्स तो देख ही नहीं रहे होंगे, है ना। जब पेशेंट्स में हमें मर्मर सुनना होता है, कुछ अबनॉर्मल साउंड सुननी होती है ना, तो उसके लिए थोड़ा हाई फाई हमें चाहिए होता है, जो हर एक चीज़ को कैच कर ले। लेकिन अभी आपको बहुत ही बेसिक स्टेथोस्कोप चाहिए, तो स्टेथोस्कोप प्लीज़ बहुत महंगा मत खरीद लेना, यही बोलूँगी मैं। मैंने आज तक नहीं खरीदा है, इवन दो मैं एक इंटर्न हूँ, तो स्टेथोस्कोप मत खरीदना, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फर्स्ट ईयर कॉलेज से रिलेटेड है वो मत खरीदना। यहाँ पे आना, अपने सीनियर से बात करना, टीचर से बात करना, एंड जो अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होना जिस चीज़ की वही खरीदना। हमें फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला गया था कि नी हैमर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट स्टिल हमने सीनियर से बात की एंड सीनियर्स ने जो चीज़ें हमें सजेस्ट की कि ये कुछ काम नहीं आएंगी, मत लेना, एक दो बार यूज़ आती हैं, वो इधर उधर से मांग के या सीनियर्स खुद बोलेंगे कि हमसे ले लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो डिसेक्शन किट भी मेरे सीनियर्स ने ही दी थी, ठीक है। डिसेक्शन बुक्स जो होती है वो भी सीनियर्स ने ही दी थी। तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ भी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हॉस्टल से, ठीक है। कॉलेज का तो आपको कोई सामान लाना ही नहीं है, एक बेसिक सा बैग आपको चाहिए होगा, यस, जिसके अंदर आप एक दो नोटबुक स्टार्टिंग में डाल के लेके जा पाओ। एंड स्टेशनरी में आपको थोड़े बहुत, अगर आपको नोट्स बनाने पसंद है तो पेन ले आना, एंड कलरफुल जो भी पेन्स होते हैं वो लेके आ जाना, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। तो एक बेसिक सा बैग, ठीक है, एंड थोड़े पेन वेन। अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं, तो हॉस्टल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा सा गद्दा चाहिए होता है आपको, ठीक है। हॉस्टल में मिलेगा क्या? स्टडी टेबल मिलेगी, बेड मिलेगा, कवर्ड मिलेगा, ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको चाहिए यहाँ पे रहने लायक सामान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गद्दा चाहिए, पिलोज चाहिए, बेडशीट चाहिए, पिलो कवर चाहिए, उसके अलावा आपको अपने जो नहाने धोने का सामान होता है वो पूरा चाहिए, ठीक है। टॉवल या अपने बेसिक्स जितने भी टूथपेस्ट होता है, फेस वॉश होता है, शैम्पू वैम्पू, ये जो भी हमें नहाने धोने के लिए चाहिए होता है, बेसिकली जो भी वॉशरूम असेंशियल्स होता है वो आपको चाहिए, ठीक है। उसकी एक लिस्ट बना के वो सारी चीज़ें ले आना। उसके अलावा बेड, बेडशीट, ये मैंने बता दिया, मैट्रेस और ये सब आपको चाहिए। अगर आपको वहाँ से नहीं लाना है, घर से नहीं लाना है, तो आप यहाँ आके भी खरीद सकते हो, सभी मेडिकल कॉलेजेस के आसपास अवेलेबल होते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब इन चीज़ों के अलावा अगर आपको पहले तो आके यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे मेरे कॉलेज में, मेरे हॉस्टल में यहाँ पे पेंट्री वगैरह सब अवेलेबल है, तो मैं थोड़ी कुकिंग कर लेती हूँ, तो मैंने कुकिंग का सामान भी लेके आई थी, मसाले वसाले लेके आई थी, एंड मैं बोलूँगी कि आप भी लेके आना, ठीक है। जैसे नाइफ होता है, या फिर आप यहाँ आके भी उन चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो, जैसे नाइफ होता है, थोड़ा नमक मिर्च चीज़ें होती है ना, किसी किसी चीज़ में आपको ऊपर से भी नमक डालना होता है, चाट मसाला होता है, तो थोड़ी ये मैं बोलूँगी कि किचन असेंशियल्स जो होता है ना, जो एकदम उसका छोटा वाला वर्जन होता है, जो हम हॉस्टल में एक काम ले सकते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती, फॉर एग्जांपल एक ग्लास हो गया, एक प्लेट हो गई, एक कटोरी हो गई, तो ऐसी मतलब एक मिनी किचन टाइप असेंशियल चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो
वो आप जरूर लेके आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट्स ही खरीद लिए या फिर आपने इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर लिए फ्रूट्स, तो आपको अब काटने के लिए तो चाकू चाहिए ना, आपको प्लेट भी चाहिए जिसमें आप रख सको, आपको ऊपर से चाट मसाला भी चाहिए डालने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिनी किचन असेंशियल्स, ठीक है, उसकी आप लिस्ट बनाना आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर वॉशरूम असेंशियल्स, जो भी आपकी जैसे अगर आप बॉडी वॉश, फेस वॉश, ये कितनी क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, कपड़े धोने के लिए भी लेके आना चीज़ें। एंड उसके बाद आपको बेड, एक कंफर्टेबल बेड आपको अपना बनाना है, एंड उसके लिए आपको मैट्रेस एंड पिलोज एंड ये सब चीज़ें चाहिए। अब क्या बच जाए, अब कपड़ों की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ना आपको बहुत ज़्यादा तैयार होने का टाइम नहीं मिलेगा। लाइक हर जगह फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगता है फॉर्मल्स पहना के रखते हैं पहले 8-9 महीने, कॉलेज में भी एंड हॉस्टल में भी। एटलीस्ट मेरे यहाँ तो ये सीन था कि हमें कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के जानी पड़ती थी एंड हॉस्टल में सिर्फ सूट सलवार पहन के जाने पड़ते थे। आपका क्या कॉलेज है एंड आपको क्या वहाँ पे करना है उसके बारे में आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। जैसे मैं सब जीन्स टॉप उठा के लेके आई थी, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि मुझे पहनना तो सूट सलवार है, तो फिर सूट सलवार मेरे पास एक भी नहीं था, तो फिर बहुत ही अर्जेंसी में मैंने सूट सलवार वगैरह सिलवाए एंड फिर 10 महीने वही पहने। तो जीन्स टॉप ये सब प्लीज़ मत खरीदना, क्योंकि 10 महीने बाद आपको नहीं पता कि क्या चीज़ फैशन में है, ठीक है, और आपका क्या खरीदने का मन होगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने ऐसे इम्पल्सिव शॉपिंग कर ली थी कि कॉलेज जा रही हूँ, कपड़ों की बहुत शॉपिंग कर ली एंड 10 महीने तक वो कपड़े रखे थे, जिसमें से मैंने आधे कपड़े शायद कभी नहीं पहने, क्योंकि उस वक्त मुझे पसंद थे लेकिन 10 महीने बाद मुझे उतना पसंद नहीं आ रहे थे वो कपड़े। तो प्लीज़ उतनी ज़्यादा शॉपिंग मत करना, पहले पता कर लो कि पहनना अलाउड भी है या नहीं। जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में तो इवन कभी भी कॉलेज में जीन्स टॉप पहन के जाना अलाउड नहीं है, इवन दिल्ली के कॉलेजेस में तो अलाउड है। देखो जीन्स टॉप हम पहन के जाते ही थे एंड जीन्स कुर्ती टॉप्स ये सब बहुत आराम से पहन के जाते थे, लेकिन स्टिल जो दिल्ली के कॉलेजेस होते हैं ना वो थोड़े से, मैं मानती हूँ इस चीज़ में फिर भी थोड़े यू नो लिबर्टी है कि आप जीन्स टॉप पहन के जा पा रहे हो, लेकिन जो पेरिफेरी में कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे तो इवन सूट सलवार ही पहन के जाते हैं या कुर्ती एंड प्लाजो टाइप चीज़ें पहन के जाते हैं। जितना मैंने यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू भी जाना है एंड थोड़ा बात करके भी जाना है उससे, उसकी नॉलेज से मैं आपको बता रही हूँ, ये दिल्ली के कॉलेजेस में डेफिनेटली आप जीन्स टॉप वगैरह सब आराम से पहन सकते हो, बट उसमें भी आपको थोड़ा डिसेंट यू नो, जैसे रिप जीन्स हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं थी, स्लीवलेस उतने ज़्यादा अलाउड नहीं थे, बट स्टिल आप ऊपर से एप्रन डाल लेते हो तो पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मॉडेस्ट, थोड़ा सा डिसेंट ड्रेसअप होना है कॉलेज में भी, एंड अगर आपकी लाइक हॉस्टल में भी अलाउड नहीं है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा उस हिसाब से सोच के एंड फिर ही कपड़े लाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग मत करना। तो मोटा मोटा इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताई नहीं है जो आपको लेके आनी है। रीज़न, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ें जरूरी है, वो सोच समझ के लेना। मैंने ये गलती की थी, मैंने बहुत शॉपिंग कर ली थी, कपड़ों की बहुत शॉपिंग कर ली थी एंड फिर मेरे वो कुछ काम नहीं आए, तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे कॉलेज आने के लिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत इन्जॉय करना, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है, ये मुझे इंटर्न बनने के बाद पता चल रहा है, एंड आप बहुत इन्जॉय करना। तो यहाँ आके एंड फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारी चीज़ें नई लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि यार मतलब परेशान भी हो जाओगे कुछ चीज़ों से, बट स्टिल बाद में वो चीज़ें याद आएंगी एंड उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ा है वो भी आपको याद आएगा। एनीवेज बाहर बारिश हो रही है तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि बारिश की भी आवाज़ यहाँ पे मेरी वीडियो में आ रही है। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, रीज़न बीइंग जो गलतियाँ मैंने की है ना बहुत सारी चीज़ें पहले ही खरीद के, वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। एंड बहुत सारी चीज़ें मत खरीदना, कोई स्ट्रेस मत लो, आप यहाँ आना, यहाँ मिल के सब लोग खरीदना चीज़ें, जैसे बुक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आपस में जब आप दोस्त भी बनोगे, आप 100 का या मिनिमम लाइक 100-150 का बैच आप होगे, ठीक है, जिसमें से आप मतलब एक ग्रुप बनाओगे एंड फिर साथ में शॉपिंग करना, ठीक है, साथ में शॉपिंग करोगे डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। मैंने सिर्फ आपको एसेंशियल चीज़ें बताई हैं। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।